हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बताया था कि जो आपका EMRS का JSA का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जा सकता है। ठीक है, तो चलिए उस कट ऑफ को हम रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि सही कट ऑफ प्रेडिक्शन क्या हो सकती है। और जो मैंने बताया था कि वाई कट ऑफ इज हाई, उसका भी दूध का दूध पानी का पानी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कट ऑफ आपकी जो है वो हाई क्यों जाने वाली है, क्या कारण उसका रहने वाला है, और अगर लो जाएगी तो किस बेसिस पर आपकी कट ऑफ लो जाने वाली है। ठीक है, पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी वो मैंने ये बताई थी कि UR की जो कट ऑफ रहेगी, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं कि जो आपकी UR की जो कट ऑफ रहेगी वो 102 से लेकर 110 के बीच में रह सकती है। ठीक है, आउट ऑफ 130 है ना। एक महाशय बोल रहे थे कि सर इस वीडियो के नीचे बोल रहे थे कि सर आप बुड़बक हो गया, 120 नंबर का पेपर है 130 का बता रहे हैं। मतलब सही है भाई, हम ही गलत है ना। तो ठीक है, 102 से 110 के बीच में रह सकती है, मैंने UR की बताई थी कट ऑफ। ठीक है, चलिए। और मैंने ये बोला था, आप लोग बोल रहे हो कि अटेम्प्ट के बेसिस पर आपने कट ऑफ कैसे निकाल दी, मैंने आपको ये बोला था कि जिनके भी 102 से लेकर 110 नंबर के बीच आ रहे हैं कट ऑफ, मैंने तो आपके अटेम्प्ट तो मैंने वहां दिखाए थे कि देखिए इतने इतने बच्चे अटेम्प्ट कर गए हैं। बट मैंने जब ये यहाँ पर आप वीडियो देखना इस सेक्शन में आके मैंने बोला है कि जिसके भी 102 से लेकर 110 के बीच में नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पर टाइपिंग के लिए कॉल आने वाला है। मैंने नंबर बोला था, ठीक है, अटेम्प्ट नहीं बोला था। अटेम्प्ट तो मैंने केवल दिखाए थे कि जो मैंने पोल में आपके मार्क्स लिए वहाँ पर बच्चे इतने इतने अटेम्प्ट कर कर आ रहे हैं। ठीक है, ये सारा मैंने इस तरीके से बताया था। अब चलिए इसके पीछे की कहानी सुन लेते हैं कि क्यों बताया था, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक सेकेंड कि आपके जो यहाँ पर देखिए कि जैसे कट ऑफ टाइपिंग के लिए क्या हो सकता है बिफोर आंसर की, क्योंकि आंसर की में हो सकता है दो चार क्वेश्चन चेंजेस होके देखने को मिले, डिलीट हो जाए क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को भी हम इंक्लूड करेंगे और OH कैटेगरी को भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए तो देख देते हैं। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम JSA का देखते हैं। सबसे पहले मैं JSA का दिखाऊंगा, फिर हम उस चीज़ पर बात करने वाले हैं। देखिए ये आपका, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, ये देखिए ये आपका KVS JSA का ऑफिशियल नोटिस है, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको हम यहाँ से ऐसा कर लेते हैं। देखिए KVS JSA का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफिसर, ये 15/2022 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें आप नीचे जाएंगे तो KVS JSA की हम वैकेंसी देख लेते हैं। ठीक है, मैं इस एग्ज़ाम को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम 2023 में हुआ है। ठीक है, रिसेंटली हुआ है मार्च के महीने में, अभी मार्च 2023 में। ठीक है, ज़्यादा हमें डिले भी देखने को नहीं मिला है, लेटेस्ट पैटर्न पर ये एग्ज़ाम हुआ है। और इस एग्ज़ाम की जो डिफ़िकल्टी लेवल थी ना, डिफ़िकल्टी लेवल इस एग्ज़ाम की जो डिफ़िकल्टी लेवल थी और जो आपका EMRS का जो एग्ज़ाम है उसकी डिफ़िकल्टी लेवल सेम है। कहाँ कहाँ सेम है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपके इधर रीजनिंग आया, इधर रीजनिंग आया, बराबर है। ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर मैथ आया, इधर मैथ आया, तो मैथ जो था डिफ़िकल्टी लेवल KVS की तरफ ज़्यादा देखने को मैं मिला था। GK बात करें तो इसकी GK बात करें तो मैं कहूँगा कि लिटिल बिट जो GK है या तो बराबर या ग्रेटर देन हुआ कौन KVS, यानी कि KVS की या तो ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी, मैं इतना कह रहा हूँ। हालांकि थोड़ी सी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करें कि इंग्लिश की बराबर देखने को मिली, हिंदी की बराबर देखने को मिली। ठीक है, हिंदी की बराबर, और जो आपका कंप्यूटर था इसकी भी हमें बराबर देखने को मिली। दोनों एनालिसिस बहुत डिटेल में किया है मैंने। ठीक है, तो बस अब ये यहाँ पर देखिए मैथ्स के सेक्शन में KVS आपको बीट कर रहा है और GK में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा KVS बीट कर रहा है। ठीक है, तो KVS का डिफिकल्टी लेवल कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लगभग लगभग 15 से 20% अप था, किससे, आपका जो अभी लेटेस्ट EMRS का एग्जाम हुआ है उसके पैटर्न में। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद EMRS JSA का पेपर सॉल्व किया, मैथ्स में किसी भी एक एक क्वेश्चन छोड़ दें जो आपका टाइम एंड वर्क वाला था। ठीक है, क्योंकि वो बेसिक से होने वाला था। ठीक है, उसमें भी कोई मतलब ज़्यादा मुझे, मैं तो नहीं कहूँगा कि ज़्यादा वो कुछ था, बहुत ईजी सिंपल थी। आप भाई साहब KVS के क्वेश्चन जो नीतेश सर ने करा रखे हैं हिल भी नहीं रहे थे भाई साहब, उसमें ना आपका भेजा फ्राई हो जाएगा, इतने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन थे। आप KVS नीतीश सर ने पूरे साथ के साथ मॉक डाले उसके, देख लेना एक बार जाके, है ना। और इसका जो मैं बताऊँ, 20 सेकंड में कोई क्वेश्चन, कोई 10 सेकंड में, कोई 30 सेकंड, हार्डली कोई क्वेश्चन 40 सेकंड में EMRS कोड रहा था। इसके आप ना 5-5 मिनट लगा के, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे 4 और 5-5 मिनट लगा के आंसर निकल रहा था इसका, देख लेना एक बार जाके। ठीक, चलिए, तो ये चीज़ इसमें है, KVS का डिफिकल्टी लेवल हमें कहीं ना कहीं EMRS से ज़्यादा देखने को मिला। चलिए एक बार को हम मान लेते हैं कि KVS का कहीं ना कहीं इसका और ये बराबर था डिफिकल्टी लेवल, तो डिफिकल्टी लेवल बराबर था। पोस्ट में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे हम, यहाँ से इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं और मैं आपको यहाँ पर पोस्ट दिखाता हूँ। देखिए
ये पोस्ट देख रही है आपको, जैसे कि टोटल कितनी पोस्ट है देख सकते हैं, 702 पोस्ट। कितनी पोस्ट है? 702। देख गया, 702 पोस्ट है। अब मैं आपको यहाँ पर कैंडिडेट दिखा देता हूँ कि कितने बुलाए गए। ये लीजिए, ठीक है, क्या लिखा है कि लिस्ट फॉर, सब दिखाऊंगा, क्लियर दिखाऊंगा, ठीक है। लिस्ट फॉर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कितनी है? 702 पोस्ट। 10 गुना बच्चे इन्होंने बोला था, तो कितने होने चाहिए थे भाई सर, है ना? 20, 7,000, है ना? 7,020 होने चाहिए थे ना भाई, होने चाहिए थे कि नहीं? अब इन्होंने कितने बुला लिए? चलो इधर हम इस डॉक्यूमेंट्स के एंड में चलते हैं, ठीक है। चलिए हम इस डॉक्यूमेंट के एंड में जाएंगे और देखते हैं वहाँ से कि इसमें क्या निकल के आता है, ठीक है। चलिए एंड में ले चलता हूँ आपको। देखिए कितने बुलाए गए यहाँ पर, दिख रहा होगा आपको, देखिए 7,984, और बुलाने कितने थे? 7,020। तो कहीं ना कहीं इसमें भी देखिए, इसने लगभग 950 के आसपास इसने ज़्यादा ही कैंडिडेट लिए। हम चलो इसको 10 गुना ही मानते हैं, हालांकि इसने 11 गुना भी ले लिए हैं बच्चे, पर हम इसको 10 गुना में लेकर चलते कि भाई बंदे ने 10 गुना बच्चे बुलाए हैं, ठीक है। 10 गुना बच्चे बुलाने के बावजूद, और इसका नंबर भी 130 था, पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी हम हमारे से थोड़ा सा बराबर मान के चल रहे, चलो बराबर या थोड़ा सा ज़्यादा मान के चलो या बराबर चलो, एक ही बात है, ठीक है। और 130 मार्क्स का पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बच्चे कितने बुला रहा है? 10 गुना। 10 गुना से भी ज़्यादा बच्चे बुला लिए, यानी 11 गुना लगभग इसने बच्चे बुला लिए। अब देखिए इसका कट ऑफ क्या निकलता है, आपको इसको कट ऑफ दिखाता हूँ कि कट ऑफ क्या निकला। ये टाइपिंग के लिए बुलाए हैं, और टाइपिंग के लिए जब बच्चे बुलाए तो इसका कट ऑफ क्या गया था, देखिए, ठीक है, ये देख लो, ये तीसरे नंबर पर आपको दिखेगा, यहाँ से देखिए, देखिए तीसरे नंबर पे इसका कट ऑफ कितना दिख रहा है, जनरल का 106, यानी कि जनरल में जो कैंडिडेट 106.28 या उससे ऊपर लाया था, केवल उसका हुआ था, 105 वाले का या 106 वाले का भी नहीं हुआ, क्योंकि 106.28 लगा इसका नहीं हुआ, इससे इससे ज़्यादा या इसके बराबर जो नंबर लाया था उसका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। और जो मैं ये नंबर दिखा रहा हूँ ना, कोई बोलेगा ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, नॉर्मलाइज अभी दिखाऊंगा, नॉर्मलाइज में कितना हो गया, ये केवल नॉर्मल मार्क्स हैं आपके, नॉर्मल मार्क्स, ठीक है। नॉर्मलाइज कट ऑफ तो बाद में आएगी, लास्ट में फाइनल कट ऑफ, ये नॉर्मल मार्क्स है जो एक बच्चा पेपर में करके आया था, ठीक है। तो कितना कट ऑफ गया यहाँ पर, 106। OBC का 91, SC का 88, SC का 84, ठीक है, EWS का 90 नंबर। देख लो आप, देख लो भाई, पेपर लेवल डिफिकल्ट होने के बावजूद अपन देख सकते हैं 106 कट ऑफ केवल केवल टाइपिंग के लिए है। कितनी गुना कैंडिडेट पर? 10 गुना कैंडिडेट पर, अभी बताऊंगा उसमें कितने गुना बुलाए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये हो गया, अब देखिए जब फाइनल रिजल्ट आता है यहाँ पर, फाइनल रिजल्ट, तो आपको कट ऑफ देखिए आप, ये देख लो भाई साहब, यू आर का देखो, देखो कि हाईएस्ट सिलेक्शन कितने ने लिया, 118, 130 में से 118 भाई। इसकी जीके देख लोगे ना, जीके, जीके शायद 30 की आई थी ना भाई, मैं कह रहा हूँ 10 नंबर भी लाना उसमें डिफिकल्ट था, बट ये बंदा कहीं ना कहीं, मैं बोल रहा हूँ उसने 10 जीके में भी छोड़े होंगे, तो 120 मान के चलो, बाकी सेक्शन में क्या 2 ही नंबर कटे होंगे इसके, बताओ। मतलब भाई देख सकते हो अब, 118, 117, 100, एक बच्चा नहीं है, देखो लाइन से 115, 116, 117 लाइन से देखिए, 114, 14, 14, 14, देख लो लाइन से, देख लो भाई ना, लाइन से देख लो, लाइन से देख लो कितने बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या हुआ था, ये जो 7,000 बच्चे थे, उस 7,900 कुछ बच्चे थे, उसमें से टाइपिंग के लिए बच्चे बुलाए गए थे, तो टाइपिंग के लिए कितने, मतलब टाइपिंग पास करने के बाद जो नॉर्मलाइज कट ऑफ आई थी वो है, ठीक है। और मैं आपको मिनिमम कट ऑफ दिखाता हूँ कि मिनिमम कितनी थी जनरल की, देखो यहाँ जनरल की कट ऑफ देखो मिनिमम कितनी है, ये देखो यू आर का लास्ट बंदा जो है वो 110 पे हुआ है, देख लो आप, 110 पे हुआ है, वहाँ कितनी दिखा रहा था, 106 पे कट ऑफ पे हो गया था, किसके लिए, केवल टाइपिंग के लिए बुलाए थे, बट टाइपिंग पास करने के बाद जो कट ऑफ है यहाँ 4 नंबर इंक्रीज हुई, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले को लेंगे ना वो, तो मतलब मान के चलिए 106 पे तो कट ऑफ बुला ली, इस 106 पे वाले भी गया हुआ, 110 वाला भी गया हुआ, 112, बट दोनों ने टाइपिंग निकाली, तो किसे बुलाएगा वो, 110 वाले को बुलाएगा ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 4 नंबर इंक्रीज हो गए थे क्रिकेटली, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसी तरीके से EWS की भी दिखाता हूँ, वो मिनिमम कितनी की थी, मिनिमम ही बताऊंगा केवल आपको, है ना, हाइएस्ट तो कहीं नहीं, देख लो कितनी, 92 कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिली है, इसकी कितनी बढ़ गई देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, 92.30, देखो EWS की कितनी, 90.23, तो कितनी बढ़ गई यहाँ पर देख सकते हैं आप, कितनी बढ़ी, लगभग 2 नंबर बढ़ गई यहाँ पर, ठीक है, तो 2 नंबर बढ़ गई यहाँ पर, ठीक है। और देखिए OBC की मैं मिनिमम दिखा रहा हूँ आपको, OBC की लास्ट क्या गई थी, वो भी आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाए, पूरा वीडियो देखना तभी आपको उस चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। OBC कितनी है, 93.32, कट ऑफ कितना गया था देख सकते हैं आप, है ना, यहाँ पर 91, तो यहाँ पर भी लगभग लगभग 2 नंबर आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे कि फाइनल कट ऑफ में, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम वाले के हाईएस्ट तो बहुत है फिर इसके, है ना, हाईएस्ट वाला देखा, देख लो लो OBC का हाईएस्ट कितना गया, चलो आ जाओ लो हाईएस्ट देख लो इसका कितना गया OBC का, है ना, और इसमें कोई अंतर नहीं है, मैं अभी दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, देखिए EWS का 92, और मैं अभी OBC में अंतर बताऊँ, आप बोले ना कि OBC EWS में अंतर रहता है, अभी अंतर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, देख लो हाईएस्ट कितना गया OBC का, 116, देख लो भाई साहब, है ना, वो अंतर देख लो OBC के फाइनल में, OBC के कम से कम, और EWS के लास्ट जो कट ऑफ गया उसमें देख लो,
कितना गैप भाई था ना उसका, 92 इसका 93, कितना अंतर है? एक नंबर का भाई, एक नंबर का अंतर है, एक नंबर को भी अंतर नहीं लगता। ओबीसी ईडब्ल्यूएस बराबर ही कट ऑफ जाता है, ठीक है। अब तो ईडब्ल्यूएस जनरल के बराबर आ चुका है, ठीक है। चलिए अब देखिए एससी वालों का, देखिए एससी वालों का 113 हाईएस्ट, लो भाई। अब बोलो है ना, ये देखो आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, कितना गया लास्ट वाला, लास्ट वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कितना गया 88, 88 लास्ट गया, ठीक है। लास्ट कट ऑफ 88 गया है ना, और इसका जो वैसे कट ऑफ था वो कितना था, यहाँ देख सकते हैं आप 88.53 था, और यहाँ पर कितना गया अपना देख सकते हैं 88.53, तो इसका सेम चला गया, ठीक है लास्ट वाला कट ऑफ। और यहाँ एसटी का कितना गया 84.35, और इसमें कितना गया था 84.23, यानी थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज, मतलब पॉइंटों में इंक्रीज देखने को मिला, ठीक है। और चलिए तो यहाँ पर आपको ये टोटल जो कैंडिडेट थे ना, ये वाले, ये जो कैंडिडेट टोटल हो रहे थे आपके, मैंने इसका टोटल लिया था, इसका जो टोटल होता है लगभग लगभग आई थिंक 702 कैंडिडेट में से 640 कुछ कैंडिडेट जो है बुलाए गए थे। मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब ये जब हो गया, ये जो बंदे बुलाए गए थे ये डीवी के लिए बुलाए गए थे, डीवी में से भी कुछ बाहर हो गए, तो जो फाइनल रिजल्ट हमारा निकल के आया था, ये लिस्ट आई थी फाइनल की, तो इसमें आप फाइनल बच्चे देखिए 702 में से कितने रह गए, 615, ठीक है 615 बच्चे रह गए। और जो इस वाले इससे पहले लिस्ट दिखाई थी जो नॉर्मलाइज मार्क्स, उसमें शायद 640 समथिंग 46 बच्चे थे, इसमें से भी 615, इसमें से भी कुछ कम हुआ, यानी 702 में से केवल और केवल 615 का ही सिलेक्शन हुआ, यानी कि कहाँ 7,900 बच्चे बुलाए थे उसमें 702 टॉपर्स को यहाँ पर लिया गया, आप देख सकते हैं केवल 702 को ही चुना गया। अब आपकी कहानी पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ 130 का मार्क्स हाई पेपर कट ऑफ गया 118 हाईएस्ट है, लोएस्ट मैंने दिखा दिया जनरल का 106 पे लोएस्ट जाके रुका है, लोएस्ट जाके, ठीक है लोएस्ट जाके, ये केवल टाइपिंग पर रुका है, फाइनल तो आप देख ही रहे हो, फाइनल में बढ़ गया था उसका थोड़ा सा, ठीक है। ये मैंने आपको पूरी जो केवीएस की कहानी थी यहाँ पर पूरी डिटेल में, वैकेंसी कितनी थी, कट ऑफ कैसे गया, ये बता दिया। अब हम चलते हैं ये हमारे इसके पेपर पर, कि भाई हमने बताया आपको, ये देखिए कि ये हमारे इसकी पूरी वैकेंसी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ये हमारे इसका कट ऑफ कर जाएगा। उससे पहले बता दूँ, देखिए मैंने एक और पोल आपके लिए कंडक्ट करा दिया। अब देखिए मैंने जो आपको कट ऑफ बताई थी ना, ठीक है, जो यहाँ पर दिखाया था मैं आपको, एक सेकंड है ना, थोड़ा सा होल्ड करिएगा, जो मैंने आपको ये कट ऑफ बताई थी ना, ये वाली देखिए, ये वाली, ये जो कट ऑफ बताई थी वो मैंने जो बताई थी ना इस बेसिस पर बताई थी, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला देखिए कैसा रहा, ये हमारा जेकम शेयर रिटर्न्स, मैंने केवल यहाँ पर अटैम्प्ट बोला था, और वहाँ पर मैंने आपको नंबर बताए थे, केवल अटैम्प्ट नहीं बताए थे मैंने आपको, अटैम्प्ट तो 110 वालों की 35% है, इतना थोड़ी ना बताया मैंने, मैंने कम ही बताया था, 102 से लेकर 108 के बीच में आपको, 110 के बीच में आपको नंबर बताए थे, तो मैंने नंबर बताए थे केवल, नंबर इतने आ रहे हैं तो आप बिल्कुल टाइपिंग की तैयारी में लग जाइए, मैंने वो बताया था। और हाँ एक एक चीज़ और दोस्तों, मैंने अभी क्या करा है, अभी एक नया पोल कंडक्ट करा है, तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख रहे हो उसको पॉज करके सबसे पहले यहाँ चले आए, उसको बाद में कंटिन्यू कर लीजिए। यहाँ देखिए क्या लिखा है आपके, ई एम आर एस जेएस एग्जाम में 2023 में कितने नंबर बढ़ रहे हैं, 130 में से, सही सही बताना, नेगेटिव नंबर काट के, यानी कि आपका जो आपने अभी के आंसर की लगभग हमारे पास आ चुकी है, तो कितने आपके पास बन रहे हैं, देखिए जो एक्चुअल आंसर की आएगी उसमें थोड़ा बहुत आपको चेंजेस होने को देखने को मिल सकता है, ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये लगभग आपकी 2-3 नंबर का फर्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तो वैसे तो एग्जैक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एक बार जाके बिल्कुल जो फाइनल एक्चुअल मार्क्स आ रहे हैं एक बार कंटेक्ट करिएगा, तो इसका मैं 1 से 2 दिन में आपको प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, जब तक आंसर की नहीं आती है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं टाइपिंग हम करें कि नहीं, ठीक है। तो ये नया कर दिया, इसको देख लो जाकर, ठीक है। और एक चीज़ और, कि अगर आपको टाइपिंग किस तरीके से होगी, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, किस दोनों टाइपिंग करनी, एक तो ये टाइपिंग का वीडियो बना दिया, इसको जाके देख लेना पूरा, टाइपिंग वगैरह करके बताया किस तरीके से होगी। और इसके बाद अभी एक वीडियो डालूंगा, इसमें बताऊंगा बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा, बेस्ट कीबोर्ड कौन सा रहेगा, जिनके भी नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो किस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो जाके एक बार चेकआउट कर लेना। चलिए तो अब हम इसका डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कितना मार्क्स आना चाहिए, बिफोर आंसर की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और वो पोल पे जाके कंडक्ट कर देना पहले। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी मैंने शेयर कर दी थी सारी चीज़ें, मैं शेयर करते रहता हूँ, पीडीएफ वगैरह क्या है जो भी, इसको ज्वाइन कर लेना। अब देखिए अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितने किए जा सकते थे, मैं पहले बताऊंगा कि कितने किए जा सकते थे, वैकेंसी कितनी है और क्या चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है। मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको इसमें कितने किए जा सकते थे, ठीक है। तो रीजनिंग में मैं बता देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर हम काउंटिंग भी करते चलेंगे, कि रीजनिंग में देखिए इसको किया जा सकता था, इजी था ये, इजी था, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर पजल तो इतनी है, अभी कुछ नहीं है भाई, अभी 20 सेकंड 10 सेकंड मोड़ दीजिए पजल, ठीक है, 10 सेकंड का काम है इसमें, कुछ नहीं है पजल में, है ना। जो बैंकिंग की तैयारी करता है वो तुरंत कर देता है, बहुत एसएससी वाले भी करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, 3 नंबर, तो एक ये वाले थोड़े परेशान करते हैं, इसमें कुछ नहीं हुआ, ये तो सिंपल था, ठीक है, 4थे नंबर का। इसके बाद दूसरा जो था आपका, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, है ना, ये भी सिंपल है ना, रैंक वाला, तो एक ये वाला थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तो 2 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिफिकल्ट मान लेते हैं रीजनिंग, बाकी कुछ नहीं है, सब हल हुआ है पेपर,
पूरा क्वेश्चन, कुछ नहीं, कुछ भी क्वेश्चन नहीं भाई। अगर इसके कंपैरिजन में तुम कीवीज की रीजन उठा लो ना भाई, इतनी सारी कोडिंग रिकोडिंग नहीं थी ना, बुद्धि बुद्धि शॉर्ट हो जाएगी उसको सॉल्व करते करते। ठीक है, देख लेने एक बार जाके, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं, कुछ भी क्वेश्चन कठिन नहीं है, ठीक है, सब सिंपल है इसमें। अब आए थे हम मैथ्स में, मैथ्स में तो मैं कहूँगा भाई कुछ है ही नहीं, फिर भी मैं आपके लिए एक दो निकालने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को चलो दिक्कत हो सकती है, ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये भी कुछ नहीं है, ये नहीं है, ये चलो इसको मान सकते हैं, ये डिफिकल्ट है। तो चार क्वेश्चन हो गए हमारे अभी तक, चार के बाद है ना, चार के बाद इसको मान लो चलो पाँच क्वेश्चन है ना, मैं आपके लिए मान रहा हूँ, वैसे उसमें कुछ है नहीं। पाँच क्वेश्चन, पाँच के बाद आप क्वेश्चन मान के चलिए ये वाला मान लो, ठीक है, छः क्वेश्चन, छः के बाद एक ये वाला, कौन सा वाला, हाँ इसको मान लो, सात क्वेश्चन और केवल आपके लिए आठ क्वेश्चन। तो हमारे यहाँ पर आठ क्वेश्चन हमें ऐसे लगे जो कि डिफिकल्ट, ये मैं केवल एवरेज के लिए बता रहा हूँ, तो टॉपर होगा वो तो फोड़ देगा, मैं एवरेज कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ कि आठ क्वेश्चन ऐसे थे अभी तक हम छोड़ सकते थे, बाकी डूएबल थे सब, मतलब एवरेज बच्चा भी इसको कर लेगा। ठीक है, कितने हुए, आठ क्वेश्चन हो गया। अब देखिए जीके में हम आते हैं, ये करना चाहिए था क्योंकि जो करंट अफेयर पड़ेगा उसको मालूम होगा स्टार्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया ये चीज, ठीक है। जो नहीं करना होगा, मतलब आठ क्वेश्चन हुए हमारी गिनती चालू रखिए। ये देखिए करंट का ये तो करना ही करना था आपको, ठीक है। हाँ इसमें थोड़ा सा बच्चों को पर एनईपी पढ़ना था आपको, आपके पेपर में आने वाला है तो एनईपी पढ़ना था, और ये तो बहुत मुद्दा चर्चित, तो जो पढ़ा होगा वो बिल्कुल करके आएगा, ठीक है। अभी आठ क्वेश्चन में यहाँ ये देखिए, तो थोड़ा टफ है, तो नौ नौ मान के चलो, नौ आप छोड़ सकते हैं, ये करंट का ये तो सिंपल है, ठीक है, ये मान लो चलो, है ना। 10 क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा है ना, 10 के बाद ये तो इतना सिंपल है यार, इसका तो कोई वही नहीं है ना, 10 हुआ है। 10 के बाद ये भी मालूम होना चाहिए था आपको, है ना, 10 के बाद ये थोड़ा अच्छा है, 11 11 के बाद ये भी सिंपल है, लेटेस्ट चाहिए तो, है ना, ये भी सिंपल है, ठीक है, ये हाँ ये चलो मान के चलो, कितने हुए, 11 हुए, ठीक है, 11 के बाद ये भी सिंपल है, 11 11 11 ये इतने अच्छा है, 12 12 12 के बाद आपका ये भी ठीक है, चलिए 13 13 क्वेश्चन हम ऐसे थे जो छोड़ सकते थे, 14 ये भी मान लो आपके लिए, 15 15 के बाद ये नहीं है ना, 15 के बाद हाँ ये भी नहीं, ये तो चर्चित रहा, 15 के बाद 15 के बाद ये चलो मान लो, है ना, 15 के बाद 16 16 के बाद 16 के बाद आपका है ना, 16 के बाद इसको ही मान लो चलो, 17 17 के बाद है ना, 17 के बाद आपका देखिए, 17 के बाद हाँ ये मान लो चलो, 17 के बाद 18 18 के बाद है ना, ये भी मान लो चलो, 19 19 19 क्वेश्चन अभी तक हमारे हुए हैं, कितने, 19 क्वेश्चन अभी तक हम 130 में से लेफ्ट कर चुके हैं, कि ये लगभग ऐसे रहे डिफिकल्ट जो एवरेज कैंडिडेट पर नहीं बने होंगे, है ना, 19 क्वेश्चन अभी तक, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में मुझे लग रहा है कि पैसेज में तो यहाँ तक है, एक सेकंड रुकिएगा उसको चार पे लगा दो, ये बंद हो जाएगा, ओके एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन हमारे ऐसे हो चुके हैं जो हमें लगता है कि हमारे से नहीं बनने थे, है ना, 19 क्वेश्चन हम जो है यहाँ पर डिफिकल्ट की ओर लेके हुए चलते हैं, ठीक है। मैं फाइनल बताऊंगा आपको किस तरीके की चीज़ चलने वाली है। चलिए इंग्लिश में मुझे लग रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, एक क्वेश्चन को छोड़ के, व्हाट इज द टोन ऑफ पैसेज, ठीक है, तो 20 होगा क्वेश्चन, 20 के बाद इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड 20 के बाद इसमें मान के चलता हूँ चलो, है ना, 21 21 के बाद 21 के बाद 21 के बाद है ना, 21 मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, है ना, 21 बस, है ना, इंग्लिश हिंदी में तो क्या ही होगा, मैं फिर भी कर देता हूँ 21 के बाद, है ना, 21 के बाद ये नहीं, ये चलो ये मान के चल रहा हूँ, 21 के बाद 22 22 के बाद है ना, चलो ये आपने पढ़ा नहीं होगा मान के चल रहा हूँ मैं, 23 23 के बाद है ना, 23 के बाद चलो इसको ही मान लो, 24, ठीक है, 24 मैंने मान ली, ये 24 क्वेश्चन ऐसे थे जो अभी तक आप पे नहीं बने होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की, है ना, यहाँ पे क्या है, ये तो सिंपल ही है भाई, है ना, चलिए, है ना, इसके बाद ये भी है, 24 हुए हमारे, ध्यान रखना 24, है ना, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है ना, इसको मान सकता हूँ, चलिए आपको नहीं आता होगा, चलिए मैं मान के चल रहा हूँ, है ना, ये नहीं आ रहा, 25 हो गए, 25 के बाद ये भी चलिए थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, 26 हो गए, 26 के बाद है ना, 26 के बाद चलिए ये वाला थोड़ा अच्छा है, 27 है ना, 27 और 27 के बाद चलिए इसको भी मान लेता हूँ, 28 और 28 के बाद है ना, 28 के बाद आपका हाँ 28 ये नहीं, 28 के बाद हाँ ये मान के चलो, है ना, 28 के बाद 29 और 29 के बाद आपका
29 के बाद ये सब तो मैंने करा ही रखे थे यार, वो भी कराया मैंने। फिर मैं आपके लिए थोड़ा सा वो सोच रहा हूँ ना, 29 के बाद, हाँ 29 के बाद, चलो ये लास्ट वाला मान लो 30। तो भाई 100 नंबर ऐसे थे जो एक एवरेज बंदा बना सकता था। कितने? 100 नंबर, 130 में से सही सही वो बंदा बना सकता था, ठीक है? कितने? सही सही बंदा बना सकता था, ओके ठीक है। अभी एवरेज की बता रहा हूँ, केवल एवरेज की, केवल एवरेज की बता रहा हूँ। 100 बंदे, 100 क्वेश्चन 100 बंदे को बनाने चाहिए थे अगर एवरेज था। अब हम चलिए यहाँ पर चलते हैं, अपने इस पर चलते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम चीज़ों को देखते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर वैकेंसी कितनी है, कितने गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए जाएंगे, ठीक है? फिर मैं 100 उसका फंडा बताऊंगा आपको, ओके? चलिए F5 हम यहाँ से दबा देते हैं, और यहाँ से इसको उसी चीज़ पर हम ले जाते हैं, ठीक है? ये देखिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? आपको दिख ही रहा होगा जैसे में कितनी है, 759। कितनी वैकेंसी है भाई? 759 है, ठीक है? यस, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं, आपको इसका टाइपिंग वाला फंडा दिखाते हैं, कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। और उसमें मैंने दिखा दी कितने गुना बुलाए गए थे, 759 थी ना, ठीक है? 759, और बच्चे कितने बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए, 1:3, यानी कि 759 × 3। कितने बच्चे बुलाए जाएंगे? ठीक है, 3 × 3 = 27, 3 × 5 = 15, 16 = 17, 3 × 7 = 21, और 1 = 22। मात्र 2,270 में मान के चलो 2,300 बच्चे बुलाए जाएंगे, ओके? 2,300 बच्चे बुलाए जाएंगे मान के चल रहा हूँ, ठीक? चलिए मान लिया हमने कि 2,300 बच्चे बुलाए गए। इसको अपन यहाँ से बंद कर देते हैं, ओके, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने मान के चला कि भाई देखिए, इसको खोल लेते हैं और यहाँ से पेन लेके हम चलिए। यहाँ देखिए मैंने मान के चला कि भाई 2,300 बच्चे हैं जो कि आपके टाइपिंग के लिए बुलाए जा सकते हैं, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा भी बुलाए जा सकते हैं, इसके नंबर डबल होंगे। अब सोचिए कि अगर 50,000 ने भी एग्ज़ाम दिया होगा, और जो जो आप बोले ना प्रेजेंट कम है, मतलब बहुत एटलीस्ट बहुत 30%, 40% प्रेजेंट है हर एग्ज़ाम में होती है, ठीक है? चलिए अब मान के चलिए, मैं कह रहा हूँ मिनिमम 50,000 ने तो दिया होगा ना भाई, मिनिमम 50,000 ने दिया होगा, आप तो इतना तो मानेंगे ना। क्या 50,000 में से मात्र 2,300 बच्चे चुने जाएंगे? मात्र 2,300, और उसमें से भी एवरेज बच्चा होगा एक, एक टॉपर होगा, ठीक है? और एक आपका मान सकते हैं कि बिलो एवरेज होगा, ठीक है? बिलो एवरेज। तो एवरेज बच्चे के जो अटेम्प्ट आ रहे थे अपने, कितने आ रहे थे भाई एवरेज बच्चे के, कितने अटेम्प्ट हो रहे थे? अटेम्प्ट बता रहा हूँ यहाँ पर, एवरेज बच्चे के जो अटेम्प्ट, कम से कम उसको 100 कराना चाहिए थे भाई, 100 उसको करना ही चाहिए थे। एक एवरेज बंदा पढ़ाई कर रहा है अच्छे से, तो बिलो एवरेज को कम से कम 90 तो करने चाहिए थे। टॉपर जो बच्चा करके आया हुआ, कम से कम मैं बोल रहा हूँ 110 से 115 के बीच बिल्कुल अच्छे से करके आया हुआ, 100 अच्छे से। अब मैं यहाँ पर करते हूँ कि निगेटिव के बाद फाइनल नंबर कितना बनना चाहिए उसका, नेगेटिव के बाद फाइनल कितना बनना चाहिए। तो यहाँ पर 115 है, मैंने मान लो इसमें 130 मार दिए पूरे, है ना? 130 मार दिए और 15 इसके गलत हुए हैं मान के चल रहा हूँ मैं, है ना? या इसके मान के चलो अपन ऐसा करते हैं कि 15 की जगह 18 गलत कर देते हैं, तो 18 का अगर अपन 18 नहीं 16 गलत कर देते हैं, 16 का अगर 4 से डिवाइड लाएंगे तो 16 और 4 4 वो जाएंगे, तो यानी कि 20 नंबर इसके कहीं ना कहीं कटे होंगे। इसके नंबर कितने कट गए निगेटिव में? 20 नंबर कट गए, ठीक है? 16 तो वो और 4 उसके एक्स्ट्रा, तो 20 नंबर इसके कम हुए होंगे 130 में से, तो यानी कि 110 के आसपास इसका कहीं ना कहीं रहना चाहिए। मैं मान के चला हूँ 105 से 110 इसका जो है नंबर बनना चाहिए, 105 से लेकर 110 का, 105 से लेकर इसके 110 के बीच में इसके नंबर रहने चाहिए टॉपर के। वो टॉपर जो होते हैं वो नेगेटिव बहुत ही कम लगाते हैं, हमने जानबूझ के इसमें नेगेटिव ऐड कर दी। टॉपर बंदा कभी नेगेटिव नहीं लगाता, तो उसको पता है कि नेगेटिव है मैं नहीं लगाऊंगा। एवरेज बच्चा था उसके 100 अटेम्प्ट हो रहे हैं, ठीक है? मान के चलिए इसने 20 ऐसे थे जो कि तुक्के लगाए हुए, 10 ऐसे छोड़े हुए, एवरेज भी रुक जाता है एक बार नेगेटिव है, पर फिर भी वो ना चाहते हुए भी लगा देता है। तो इसने 20 नेगेटिव लगाए, तो 20 तो इस 20 तो वो गए, 20 तो वो गए ना, 20 गए, 20 उसमें से चले गए, और 20 के 4 से अगर डिवाइड लगे तो 5 एक्स्ट्रा आएंगे, तो कहीं ना कहीं इसके जो नंबर बनने होंगे वो 95 के आसपास बनने होंगे। मैं मान के चल रहा हूँ इसके जो नंबर है वो 94 से लेकर 98 के बीच में बनना है, किसी के कम भी अटेम्प्ट हो रहे हैं, 94 से 98 के बीच में इसके नंबर होने चाहिए एवरेज वाले के, जो नंबर हम काट के अनुमानित बता रहे हैं। अब जो ब्लू एवरेज है 90 करके आया, मान के चलिए इसने भाई तुक्के लगा दिए पूरे, 40 बचे ना 130 में से 130 करके आया, अब 10 नंबर तो इसके कटेंगे, 40 तो हो गए, 10 इसमें से और कम हो जाएंगे यानी 80। तो मैं मान के चल रहा हूँ इसके जो नंबर रहे होंगे वो 80 से 85 के बीच में रहेंगे, जो ब्लू एवरेज है। अब जो बिल्कुल ही ब्लू है तो उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वैकेंसी आप देख ही सकते हैं कि बच्चे बुलाए जाएंगे मात्र 2,300। अगर 50,000 ने भी एग्जाम दिया, एग्जाम काफ़ी ज़्यादा लोगों ने दिया है, लगभग 1.5-2 लाख ने दिया हुआ, हम केवल 50,000 पे आंकड़ा लेके चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें रहने वाली हैं, 105 से 110, 94 से 98 और 80 से 80,
5 के बीच में यहाँ पर रेंज रहेगी आपकी। ठीक है, मैंने आपको KBS में भी दिखा दिया कि पेपर उसका हार्ड था, उसके बावजूद भी बच्चे 118 18 करके आ रहे थे। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि KBS जैसे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है बिफोर टाइपिंग टेस्ट आंसर की आने से पहले। तो देखिए यहाँ पर हम कलर कलर यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करते हैं, और इसका कलर चेंज करने के बाद इंक का कलर हम ले लेते हैं, यहाँ से ब्लू ले लेता हूँ। ओके चलिए, तो देखिए UR की क्या कट ऑफ रह सकती है वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये सब करने के बाद तो देख सकते हैं कम से कम 105 से 110 टॉपर बंदे लेके आ रहे होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई 300 में से क्या कितने टॉपर होंगे, कम से कम भाई आराम से 1000 बंदे ऐसे होंगे जो कि इतना नंबर लेके आ रहे होंगे 105 से प्लस। क्योंकि भाई ये जो मैं एग्जाम ये एग्जाम होते हैं ना, जो KBS NVS EMRS या जो वन डे जो जितने भी JSA के एग्जाम होते हैं, वो ज़्यादातर जो बच्चे होंगे, अगर 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं ना, तो उसमें से नया बच्चा कितना होगा 40 60 बच्चे ऐसे होंगे जो कि कहीं ना कहीं प्रीवियस में पेपर दे गए। जितने ही बच्चे जो KBS में फेल हुए या किसी कारण से रह गए थे, उन्होंने पूरों ने AMRS का पेपर भरा हुआ, और वो वहाँ पर भी स्कोर करके आए थे, टाइपिंग में बाहर हुए किसी गलती से या डॉक्यूमेंट में, तो वो इसको फोड़ेंगे। तो मैंने मान लिया 1000 बच्चे तो यही हुआ जिनके 105 से 110 के बीच में आ रहे थे, हुए नहीं। और जो एवरेज थे लगभग वो भी आपके कम से कम 800 के आसपास रहे होंगे, और जो ब्लू एवरेज होंगे तो 1800 जो हमारा हो गया 2300 में से ब्लू एवरेज वाले रहेंगे 500 बच्चे। ठीक है, 500 बच्चे आपके रहेंगे कौन से, ब्लू एवरेज वाले। ठीक है, तो ये आपकी सिचुएशन बनने वाली है। अब इसके हम कट ऑफ का अगर अंदाजा लगाए तो क्या रहेगी, भाई हमेशा टॉपरों को प्रेफरेंस दी जाती है, तो 1000 बच्चे। तो UR का मैं कट ऑफ फिर बोल रहा हूँ आपको कि केवल ये टाइपिंग के लिए कॉल बता रहा हूँ, टाइपिंग के बाद कट ऑफ बढ़ेगी क्योंकि वो एक एवरेज कट ऑफ सेट करेंगे, 3 गुना बच्चे बुलाएंगे, एक पोस्ट पर 3 बच्चे बुलाएंगे, समझ रहे हो, एक पोस्ट पर 3 बच्चे। तो कहीं ना कहीं जो मान के चले तीनों ने अगर टाइपिंग क्वालिफाई कर ली, तो वो किसको प्रेफरेंस देंगे, अगर एक के 110 हैं, एक से 106 हैं, एक के 108 हैं, तो किसे प्रेफरेंस देंगे, इसको ही देंगे ना, एक पोस्ट है तो इस 3 में लड़े हैं तो इसी को देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ भी गिरी जाएगी, 1 2 नंबर भी जा सकती है, हो सकता है कि ये फेल कर जाए तो फिर 108 वाले को देंगे, हो सकता है ये भी कर जाए तो फिर 106 वाले को देंगे। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें होंगी यहाँ पर। ठीक है चलिए, है ना, तो UR की कट ऑफ क्या रह सकती है यहाँ पर मैं बता दूँ आपको। तो अगर टाइपिंग के लिए आपको कॉल टाइपिंग जो प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कितने नंबर वाले कर दें, तो मैं कहूँगा कि अगर आपके 98 प्लस आ रहे हैं तो आप बिल्कुल कर दिए। मैं इसमें ज़्यादा फेयर नहीं करूँगा कि इतने से इतने रेंज बता दूँ, बस 98 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल लग जाइए। ठीक है, मैं ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, वो किस बेसिस पर, इस 1000 को छोड़ के जो 800 वाली रेंज है और जो 500 वाली रेंज है, मैं इस रेंज पे जाके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 800 वाली रेंज पे जाके, ठीक है, OBC के कितने कितने वो नंबर आने चाहिए आपको टाइपिंग करनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि भाई 95 प्लस आ रहे हैं तो बिल्कुल लग जाइए। EWS में ज़्यादा गैप नहीं रखूँगा, केवल 94 प्लस आपके आ रहे हैं तो आप लग जाइए। एससी वालों के लिए बोलूँगा कि 88 प्लस नंबर आ रहे हैं तो टाइपिंग लगे, ST वाले 85 प्लस अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो लग जाइए। ठीक है, इतने अगर नंबर आपके प्लस आ रहे हैं तो आप सब लोग जो है टाइपिंग में लग जाइए जाके। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इन सभी से जो भी जनरल का कट ऑफ जाता है ना, या कोई भी कैटेगरी कट ऑफ है, तो उससे कम से कम आपको 20 से 25 नंबर का छूट मिलती है। तो हम मान के चले इसको 1000 मान ले, 100 मान ले, तो आपका जो रहना चाहिए वो 178 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आप भी टाइपिंग में लग जाइए। और OH जो कैंडिडेट हैं उनका भी लगभग सेम इसी के बराबर रहता है, तो आपके भी अगर 78 प्लस है ना, या 76 दो तीन नीचे भी हो सकते हैं, तो इतने आ रहे हैं तो आप बिल्कुल जो है आपकी जो टाइपिंग होने वाली है उसमें लग जाइए। ओके चलिए, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर कीप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोबारा से इसको करते हैं। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, हम इसको दोबारा से बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर हम डिस्कशन चालू रखते हैं। ओके चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इतनी रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो है जाके टाइपिंग टेस्ट में लग जाइए। फिर मैं एक अभी बिफोर आंसर की, एक फाइनल आंसर की जब आ जाएगी तब बना दूंगा, और एक कट ऑफ मैं आपको 2 दिन के बाद एक दूंगा कट ऑफ, वो कब दूंगा मैंने आपको बताया। ठीक है, इतनी रेंज आ रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस चीज़ का, ठीक है ना। हालांकि मैं फिर बोल दूं कि कट ऑफ इससे हाई जाएगी, फिर भी आपको मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने तैयारी नहीं की, इतने आ रहे हैं तो आप बिल्कुल लग जाइए। इससे 1 2 नंबर ऊपर नीचे भी है तब भी आप लग जाइए, नीचे हैं तो 1 2 नंबर तब भी आप लग जाइए, हो सकता है कि बाई चांस कट ऑफ चली जाए, क्योंकि एक फैक्टर आपका रहेगा। ठीक है, ये तो तय है, मैंने ये जो 50 हजार लिया, ये आपका जो बोला ना प्रेजेंट का, मैं उसी के बेसिस पर लिया है ना। बाकी मेरे को लग रहा है इससे या उससे ऊपर ही जाने चाहिए, नीचे तो मुश्किल है, फिर भी 1 2 नंबर का अगर गैप है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं तैयारी। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी।
अब ये बिफोर आंसर की क्या आने के बाद हो सकता है कि हमें क्लियर एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा, तो 2-3 नंबर का गैप आएगा, इससे ऊपर गैप नहीं आएगा ना, क्योंकि हमने लगभग जो आंसर की दी है वो एग्जैक्ट ही आपको देने की कोशिश करी हुई है, ठीक है। ओके चलिए, तो इसकी जो मैं 2 दिन बाद कट ऑफ दूंगा वो कैसे दूंगा, ये पहले तो टाइपिंग की वीडियो देख लेना, सब्सक्राइब का बटन होगा उसे कर लेना, ठीक है। चलिए और देखिए, अभी एक टाइपिंग की वीडियो और डालने की कोशिश करूंगा मैं, देख लेना ये वाला, ठीक है। देखिए 529 हो गए 39 मिनट में, तो जल्दी से जाइए इस पर पोल कीजिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैंने ठीक ठीक बोला 130 में से कितने आ रहे हैं, तो 106 से 115 की रेंज में 12% आ गए, यानी कि 529 में से 50 बंदे तो यहीं आ गए, ठीक है। कितने आ गए, 50 बंदे तो यहीं आ चुके हैं आपके। और अगर 105 वाली रेंज में देखें तो 9 बच्चे यानी 10% यहाँ आ गए, है ना, 50 यहाँ आ गए और 50 यहाँ आ गए, 100 बच्चे तो यहीं आ गए। और 91 से 98 में भी 20 बच्चे यहाँ पे आ गए, यानी कि 100 बच्चे यहाँ, जो 400 बच्चे तो यहीं हो गए लो, है ना। अगर हम इसमें देखें कि 40% में 400 बच्चे आ रहे हैं 91 से या उससे ऊपर, 40%, अगर इसी को हम 50,000 आंकड़ा कर दें, 50,000 का 40% कितना होगा भाई, 2,000, तो 2,000 बच्चे ऐसे होंगे इनका 91 से। बट इसका और डाटा इसमें पड़ता जाएगा तो हम देख लेंगे ना, तो इसको कम से कम 5,000 से ऊपर डाटा ले आएंगे, 10,000 के आसपास, तो हम एक एग्जैक्ट हमें डाटा मिल जाएगा किस तरीके से चीज़ हो रही है। तो जल्दी जाइए इस पर फूल कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा था, मैंने आपको बता दिया, बाकी सारी ये वीडियोस वगैरह देख लेना पूरा। आई होप आपको जो कट ऑफ का डिस्कशन है, मैंने किस तरीके से सारी चीज़ें रखने की कोशिश की, आपको पूरा डाटा क्लियर करने की कोशिश की है, तो वो सारी चीज़ें देख लेना, और 1-2 दिन बाद और आपको क्लियर वे में पता चल जाएगा कि किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल बनाए हैं तो जुड़े रहिएगा, फाइनल सिलेक्शन तक हम आपके साथ में रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।